बहुत अच्छा माहौल है आप लोगों की दुआओं से। मैं जब यहाँ आई तो मैं ज़्यादातर हम लोगों ने डोर टू डोर किया, जहाँ पे महिलाओं से मेरी बातचीत हुई और मैंने देखा कि एसपी और बीएसपी ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों पे बहुत अच्छा असर रख रहा है, जिससे सामने वाली सारी पार्टियाँ घबराई हुई है। और आने वाली 23 तारीख को इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट एसपी बीएसपी गठबंधन से मिलेगा। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई में आपके साथ काफ़ी महिलाएं हैं जो समाजवादी पक्ष में है? नांदेड़ में ऐसा कोई महिलाओं का ग्रुप नहीं है ना समाजवादी में है, नहीं है कोई पदाधिकारी है गाड़ी ऐसे? अभी हमारे मोहिन भाई ने ज्वाइन किया है, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, बस पद पे आके काम नहीं करती, ये बात है। और मुंबई में भी ऐसा ही है, सब जगह तकरीबन महिलाएं जो 50% आरक्षण होने के बावजूद भी महिलाएं बहुत सारी काम, उनको जानकारी बहुत सारी। लोकल खवातीन है ना, वो पॉलिसी मैटर नहीं समझते, उनको तो चाहिए कि हमारे एरिया का साफ सुथरा इलाका होना चाहिए, हमारी गटर बनी हुई रहनी चाहिए। और आप लोग पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये छोटे मैटर है, क्योंकि जो आम वोटर्स वोट देता है वो उनको छोटे मुद्दों से ही मतलब रहती है, स्टार्ट टू एंड। ये बड़े पॉलिटिकल मामले होते हैं कि हम लोग पॉलिसी मैटर क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब आप आम लोगों में जाएंगे ना तो वो लोग आपके सामने यही रखेंगे पॉलिसी मैटर है। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे अखिलेश यादव महिलाओं के ऊपर काम कर रहे थे, उस तरीके से हमने सारी पॉलिसी उनको बताई कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ काम किया वैसी पॉलिसी सारी हम यहाँ लाएंगे। जैसे कि महिलाओं के लिए बच्चे जो 12वीं पास करते हैं उनको 30,000 रुपये का जो चेक तुरंत वहाँ दिया जाता है, लेकिन यहाँ चप्पल घस जाते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी का फ़ायदा लोकल लोगों तक पहुँचता नहीं है। आप बताइए, वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा पूरा फ्री है, वहाँ पे जो महिलाओं को 108 नंबर के एक नंबर है और एम्बुलेंस डायरेक्ट घर पे आती है और डिलीवरी फ्री होती है, 1 रुपये में दवा दी जाती है, जो बच्चों को बेरोजगार है उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे मैटर है, उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जहाँ हमारे अखिलेश यादव वहाँ पर थे, जो उन्होंने वहाँ काम किया वही सारी बातें हम यहाँ भी करेंगे। जी, आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षित है, ऐसे जानते समझ सकते हैं कि अब महिला सुरक्षा है? मोदी जी की तो बात करना मुझे बेकार ही लगता है। नहीं, महिला सुरक्षित इतना बड़ा पंत प्रधान होने के बावजूद इस कदर झूठ बोलने की उनके अंदर सलाहियत है? सबसे पहला तो जो उनको उन्होंने जिस बेस पे वोट लिया, उनका 2 बेस था, वो दोनों ही बहुत ही बेमायने था। एक गरीब आदमी को अगर किसी ने ये समझा दिया, एक पीएम बनने वाला लेवल का आदमी, कि काला धन आएगा और उसमें से हम आपके हर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, तो मैं समझती हूँ कि एक गरीब आदमी या अमीर भी आदमी सोचेगा कि ये सच होगी बात कि स्विस बैंक से बाहर से पैसा इतना सारा आएगा और हम सबके अकाउंट में जाएगा, तो 15 लाख की लालच में मोदी जी आ गए, वरना तो इनकी जमानतें भी जब्त हो जाती। और फिर सेकंड, इनको पता है 85% हिंदू है, उसके बावजूद राम मंदिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, सत्ता में बैठने के लिए कोई विकास का काम नहीं किया, और उसके बावजूद अभी जब उनके पास कुछ रह नहीं गया काम दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 2-4 वो निकाला अपना स्वच्छता अभियान के नाम पे, उन्होंने करोड़ों रुपए खराब किए और पता नहीं कैसे उल्टी सीधी स्कीमें बनाई जो लोगों तक पहुंचती नहीं है। मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने अपनी पब्लिसिटी पे और मीडिया पे खर्च किया, अगर उतना पैसा देश के विकास में लगाते थे तो वाकई विकास हो जाता। जी, अभी कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी कहा कि जिस तरीके से पॉलिसी जैसे 15 लाख की थी तो इन्होंने भी साल में 72,000 रुपये डालेंगे, ये भी छूट है? तो मोदी जी के रास्ते में चल रहे हैं वो, और उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा आगे, जैसे इनको भुगतना पड़ेगा आपके। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2-व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल हिंगोली गेट नांदेड। Thank you.